मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर समंदर सिंह मालवीय, जिला मलेरिया अधिकारी प्रेमलता जाबी के निर्देशानुसार खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यशवंत नायक के मार्गदर्शन में 1 सितंबर 2022 को नगर परिषद कानड़ वेक्टर जनित बीमारियों के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जन जागरूकता अंतर विभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बाबूलाल बेजापारी अध्यक्ष, प्रतिनिधि राजेश टेलर कांग्रेस उपाध्यक्ष, बने सिंह चौहान पार्षद गोकुल पार्षद, साथ ही मुकेश केलकर पार्षद, रमेश सूर्यवंशी पार्षद, मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिव सिंह चौहान और नगर पालिका के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। डॉक्टर कृष्णा वर्मा मेडिकल ऑफिसर, खंड विस्तार प्रशिक्षक भगवान सिंह जगवाल, लैब टेक्नीशियन श्रीराम मनोहर यादव के द्वारा डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया रोग के बारे में जानकारी दी गई और क्या सावधानियां बरती जाएं उसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ मोहल्ले में घरों से पानी निकलने वाले पानी को उचित निकासी व्यवस्था करने, कूलर फूलदान पशु पक्षियों के पानी के बर्तन टंकी को 7 दिन में सुखा कर फिर से पानी भरने और छत पर रखे हुए अनुपयोगी फूटे टूटे बर्तन टायरों को उल्टा करके रखने और साथ ही में स्टॉप डैम कुआं रुके हुए पानी में लार्वा भक्षी गंबूसिया मछलियों को डालने और अनुपयोगी रुके हुए पानी ने जला हुआ ऑयल का छिड़काव करने साथ ही में या फिर डालने और विषम परिस्थितियों में समन्वय स्थापित कर मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया बीमारियों की रोकथाम करने में सहयोग करें। सोनू खान की रिपोर्ट।